हाय व्यूअर्स, हमारा सर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम स्क्रीन राइटिंग क्लासेस में टेलीफोन कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको हम अपने स्क्रिप्ट पे कैसे लिख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तकरीबन हर स्क्रिप्ट का एक हिस्सा होता है टेलीफोन कन्वर्सेशंस, और इसके लिखने का तरीका हमें आना चाहिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आज अपने लेक्चर को और अपने क्लास को स्टार्ट करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आइंदा तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको इससे फायदा हो। लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। एक और मेथड जो हमारा फोर्थ मेथड है, उसमें हम मतलब चाहे तो वॉइस ओवर को तो खैर हम इग्नोर करवा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सस्पेंस भी पैदा कर सकते हैं। व्यू सपोज मैं एक पहले सीन हेडिंग को एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, इंटीरियर रूम डे। मैं कहता हूँ सपोज सायरा लुक्स डाउन फ्रॉम द विंडो, लुक्स डाउन फ्रॉम द विंडो वेयर Khalid stands eating his sandwich. Saira is holding her cell. अब यहां पर suppose मैं कहता हूं कि अहमद पर वो कॉल पर थी, तो अब अहमद सीन में नहीं है। suppose मैं कहता हूं वॉइस ओवर आ जाएगा अहमद का, और मैं ये कहता हूं कि doesn't he look like a clown? अब Saira frowns, comes closer to the window. Now suppose हम दूसरे सीन पे चले गए। Exterior balcony day, continuous लिख लें या ना लिखें। यहाँ पे continuous में इसलिए लिख रहा हूँ कि वैसे तो ये क्लियर होता है कि जब दो सीन्स टेलीफोन कन्वर्सेशन के होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, लिख लेंगे तो गलत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो बेहतर है। यहां पर याद रखें कि कोई इंटरकट वर्ड यूज नहीं किया गया, इंटरकट का वर्ड यूज नहीं हमने किया। हमने इस तरीके से चले, अहमद के वॉइस ओवर पे आए, डजंट लुक लाइक अ क्लाउन। अब हम एक्सटीरियर बैलकनी डे कंटिन्यूस लिखें या ना लिखें कंटिन्यूस। सपोज अहमद ईट्स हिज पीनट्स while holding his cell. अब चूंकि हम इस सीन में और अहमद को देख पा रहे हैं, तो अहमद को हम देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, तो लिहाजा हम लिखेंगे अहमद। अब चूंकि हमने कंटिन्यूस यूज किया था, नहीं भी करेंगे मैंने आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटिन्यूस लिखने के यहाँ पर आपको तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक कंटिन्यूस है, और इंटरकट हम यूज नहीं कर रहे, तो हम दोबारा सायरा वाले सीन पर चले जाएंगे। रूम डे सायरा गेट्स इवन मोर क्लोजर टू द विंडो लुकिंग डाउन एट खालिद। अब चूंकि हम सायरा के सीन पे हैं, वॉइस ओवर की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे सपोज वो कहती है कि आई डोंट फील लाइक ही इज अ क्लाउन। और अगर आपने अहमद का दोबारा सीन देखना तो एक्सटीरियर दोबारा आप चले जाएंगे बैल्कनी, तो आप दोबारा चले जाएंगे एक्सटीरियर बैल्कनी डे अहमद मेस्मराइज्ड सपोज, और फिर अहमद का डायलॉग हो सकता है सपोज कुछ भी लिख दें, बेटर गेट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट सपोज। मैंने इस तरीके से इसको बना दिया, तो इस आप इन सीन्स को लिख सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा ड्रामेटिक करना हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीरियर रूम डे सायरा लुक्स डाउन फ्रॉम द विंडो एट खालिद हु स्टैंड्स नियर हिज कार ईटिंग अ सैंडविच। अब सपोज सायरा ही है, हमें फिर सीन में फायर करती, व्हाट यू मीन he's a clown, और आप suppose कहते हैं turns to phone, एक मैंने direction दे दी
बीट भी कर सकते हैं, ये इसको लिखने का एक तरीका ही होता है कि वरना जब आप एक शायरा का आपने पहले लिखा दोबारा आप शायरा लिखेंगे, क्योंकि इस जुमले में, इस सेंटेंस में, इस डायलॉग में अब थोड़ा गैप है, तो या तो आप कुछ पैराथेटिकल में लिख दें, टर्न्स टू फोन या शी लुक्स सैड, कुछ इस तरीके से क्या हमें लगे कि थोड़ा सा इसमें वक्फा आया है, या बीट हाल लिख सकते हैं आप, आगे लिख सकते हैं आई डोंट फील लाइक ही इज ए क्लाउन, फिर इधर आप बीट लिखें, अब वक्फा है, कहते व्हाट आर यू सीरियस ओके वेट। अब देखिए मैंने सस्पेंस की जो बात की थी वो क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने कहा व्हाट आर यू सीरियस ओके वेट। अब इस तरीके में क्या है कि वॉइस ओवर तो नहीं आया और ना ही मैंने दूसरा लोकेशन दिखाई है दोनों, उसमें मैंने थोड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया। अब सपोज अगर आप ये सोचें कि जो दूसरा बात करने वाला है हमें पता ही नहीं कि कौन है, ना उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ना हम उसको देख पा रहे हैं, ये इटसेल्फ एक सस्पेंस है, और उसके बाद ये जुमला देखें बड़ा सपोज व्हाट आर यू सीरियस ओके देन वेट, तो इसमें भी क्यूरियोसिटी आ गई, इसमें भी एक सस्पेंस आ गया, तो हम अपने कन्वर्सेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। उर्दू में लिखना चाहें उसका तरीका भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं हमें उर्दू में भी वैसे ही लिखना है, लेकिन एट राइट साइड ऑफ द कॉलम ऑफ द पेज, तो उसमें आप बिल्कुल इंटरकट का जिस तरह मैंने कहा आप इंटरकट का वर्ड राइट हैंड साइड पर यूज करेंगे। अब इंटरकट में सपोज आप दो सीन्स बताने हैं तो इस इंटरकट को थोड़ा सा पीछे कर लें, यानी कि इधर करके लिख के और इधर आप दो सीन्स बता सकते हैं, लेकिन ये रहेंगे आपके राइट साइड पर ही। इसी तरीके से अगर आपने दो सीन्स के को बताना है वो तो हम पहले भी तरीका बता चुके हैं, तो आप एग्जैक्टली उस तरह उर्दू में इसको लिखें, कोई उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हिंदी में व्यूअर्स मैंने आपको कई दफ़ा ये बताया है कि हिंदी में ऑलमोस्ट चूँकि एक तो हिंदी ने लेफ्ट से स्टार्ट होना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप एग्जैक्टली वैसे ही लिखें जैसे कि इंग्लिश में लिखी जाती हैं, आपने सिर्फ अपने डायलॉग्स और अपने एक्शंस हैं जिन्हें नरेटिव कहते हैं उन्हें आप हिंदी में लिखें, और उसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, बाकी तरीका आपका ऐसे ही रहेगा जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो व्यूअर्स ऑफ होप के आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और प्लीज़ अपने कमेंट्स में आपने कोई सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछें ताकि आप मज़ीद इसके बारे में अपने माइंड को क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।